नमस्कार दोस्तों, मेरे YouTube चैनल क्रिप्टो में आप सभी का दोस्तों स्वागत है। तो मैं अपने YouTube चैनल के माध्यम से दोस्तों आप सभी को एक नया सर्वे किया है हमारी टीम ने, जो कि हमारे सर्वे है वो एरिलियम कॉइन के ऊपर है। तो मैं आज आपको ये बताने जा रहा हूँ कि जो एरिलियम कॉइन है उसका फ्यूचर क्या है, एरिलियम कॉइन को फ्यूचर का कॉइन हम क्यों बोल रहे हैं। तो उसके बारे में मैं अपनी पूरी जो एनालिसिस रिपोर्ट है वो आपके सामने पेश करूँगा दोस्तों। आशा है आप इस रिपोर्ट को ध्यानपूर्वक देखेंगे, समझेंगे और एरिलियम कॉइन को बाई करेंगे आप, और अपना जो प्रॉफिट है वो इंक्रीज करेंगे और प्रॉफिट में रहेंगे। तो दोस्तों सबसे पहले आज मैं आपको ये बताने जा रहा हूँ, थोड़ा बैकग्राउंड में जा रहा हूँ कि एरिलियम कॉइन चीज़ क्या है। तो दोस्तों एरिलियम कॉइन जो है ये मार्केट में आया था 14th of January को, ठीक है, 14th of January 2017 दिस ईयर ओनली। तो ये जो कॉइन है वो एडवाइजो की एक एप्लीकेशन है, एडवाइजो की जो टीम है उसने लॉन्च किया था, ठीक है, जनवरी में लॉन्च किया था इसको। और जनवरी में जो लॉन्च किया था इसको 6 से 7 एक्सचेंज पे ये लॉन्च किया था, जैसा कि आप देख सकते हैं COX, क्रिप्टोपिया, नोवा एक्सचेंज, कॉइन एक्सचेंज डॉट कॉम, ट्रेड सतोसी, AEZA, कॉइन गैदर, ये हैं 7 एक्सचेंज है टोटल। तो ये 7 एक्सचेंज पे ये कॉइन ऑलरेडी लॉन्च हो गया था जनवरी में। तो उसके बाद दोस्तों क्या हुआ, इसका जो रेट था उस टाइम 0.1 पैसा से इसका रेट स्टार्ट हुआ था दोस्तों, और USD में मैं आपको बताऊं तो 0.06 USD के अप्रोक्सीमेटली वो होता है। तो 0.1 पैसा से इसका रेट स्टार्ट हुआ था दोस्तों जनवरी में, और लास्ट महीने तक इसका जो रेट है, जो वॉल्यूम है, वो चला गया था 7 रुपये तक। तो 0.1 पैसा से लेकर 7 रुपये तक इसका रेट ऑलरेडी जा चुका है, पिछले 6 महीने का इसका ट्रैक रिकॉर्ड है। तो दोस्तों ये जो कॉइन है ये कैसे क्या लॉन्च हुआ वो मैं बता रहा हूँ अभी आपको। जैसे कि आपने देखा अभी कि जनवरी में ये लॉन्च हुआ था, 14th of January को 7 एक्सचेंज में लॉन्च हुआ था। उसके बाद ये जो कॉइन है ये ओपन सोर्स मार्केट के तहत लॉन्च हुआ था। तो ओपन सोर्स क्या होता है दोस्तों, कोई भी कॉइन जब मार्केट में आता है तो वो ओपन सोर्स टेक्नोलॉजी के थ्रू आता है, और कॉइन को लॉन्च करने से पहले हमें, ओपन सोर्स में लाने से पहले हमें उसको GIT MIT हब में रजिस्टर्ड करना पड़ता है। क्योंकि GIT MIT हब में हम जब तक उस कॉइन का रजिस्ट्रेशन नहीं करवाएंगे तब तक उस कॉइन को हम मार्केट में और किसी भी एक्सचेंज पर नहीं लेकर जा सकते। तो ये जैसा कि आप देख सकते हैं ये GITHub.com है, एरिलियम कॉइन है प्रोजेक्ट, एरिलियम कॉइन प्रोजेक्ट, यहाँ पे आप देख सकते हैं जॉर्डन कमिटेड ऑन GITHub अपडेट readme.md। जॉर्डन कौन है, जितने भी एडवाइजो के जो मेंबर्स हैं वो सभी जानते होंगे, जॉर्डन एडवाइजो का CEO है जो कि USA में है, ठीक है। तो उन्होंने इस कॉइन को लॉन्च करवा दिया था 6 महीने पहले, ये आप देख सकते हैं इसको 6 मंथ बिफोर, ठीक है, GITMIT अब में रजिस्टर्ड करवा दिया था। उसके बाद ओपन सोर्स के थ्रू ये 6 से 7 एक्सचेंज हैं इनमें लॉन्च हो गया था, और इसका जो रेट है वो 0.1 पैसा से 7 रुपये तक जा चुका है, जो पास्ट का रिकॉर्ड है वो बता रहा हूँ मैं। GIT अब में रजिस्टर्ड हो गया और 7 एक्सचेंज पे कॉइन आ गया ऑलरेडी, और रेट का जो वॉल्यूम है वो भी मैंने आपको बता दिया है। और जैसे नोवा एक्सचेंज का मैं आपको दिखा रहा हूँ जब ये लॉन्च हुआ था, ये है 15 जनवरी का, ठीक है, 14th of January को लॉन्च हुआ था। तो 15th of January को मैंने कुछ कॉइन बाई किए थे, उस टाइम रेट बढ़ गया था एकदम से रेट, क्योंकि कोई भी कॉइन नया आता है तो मार्केट उसका अप होना है, उसमें कोई डाउट नहीं है। ये मैंने 990 सतोसी पे बाई किया, फिर 1015 पे, फिर 1500 सतोसी, 1780, ये सारे मैंने बाइंग किए थे उस टाइम, जनवरी की बता रहा हूँ मैं, ठीक है। उसके बाद मैंने लास्ट में ये 750 सतोसी पे बाई की है, ठीक है। तो अभी जो रेट है, करंट रेट है इसका चल रहा है 399, यानी कि 0.65 पैसा के आसपास इसका रेट चल रहा है, और ये रेट डाउन है, और ये जो टाइम है वो बेस्ट टाइम है कॉइन बाई करने के लिए। अगर आप एरिलियम कॉइन अभी बाई करते हैं तो इसका फ्यूचर प्लान क्या होगा वो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। जिन भी फ्रेंड्स ने, लीडर्स ने अगर अभी तक एरिलियम कॉइन बाई नहीं किया है तो कृपया करके आप उसको बाई कीजिए, क्योंकि ये रेट आपको दोबारा कभी नहीं मिलने वाला, ठीक है। एरिलियम कॉइन का जो रेट है अभी वो नहीं मिलने वाला। फ्यूचर प्लान क्या है वो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। जैसा कि हम देख चुके हैं, सर्वे भी कर चुके हैं, GIT में भी है, एक्सचेंज में भी है ऑलरेडी, और इसका जो वेबसाइट है खुद का उसका नाम है arilliumcoin.com, और इसका जो खुद का ब्लॉकचेन है उसका नाम है arichain.com। तो इस arichain.com में हम देख सकते हैं कि इसके जो ब्लॉक्स हैं वो देख सकते हैं, और इसके जो टॉप बायर्स है पूरे वर्ल्ड में, टॉप 100 बायर्स हैं, उनका वॉलेट एड्रेस और राइट साइड में इतना है, जैसे 57,07,000,
57 लाख क्वाइन है, ये क्या क्वाइन है, 5,20,599 क्वाइन है, 4,99,000। ये टोटल जो एरिलियम क्वाइन ने सप्लाई की थी वो टोटल था 1,44,00,000 क्वाइन मार्केट में लाए हैं। और ये जो लोग हैं इन्होंने अपने बाई कर रखे, इतना परसेंट इनका वॉल्यूम है, 4%, 3% टोटल क्वाइंस का वॉल्यूम। तो 1,44,00,000 क्वाइन अभी मार्केट में सप्लाई है, उनमें से इतने इतने बाई कर रखे हैं जो टॉप 100 बायर्स हैं पूरे वर्ल्ड में, ठीक है। उसके बाद क्या है कि और इसका जो ये ब्लॉकचेन का जो वॉलेट है वो ये सब कुछ दिखा रखा है, इसमें कितने रिसिपिएंट हैं, कितने किसने क्या बाय किया, वो ये जून का अभी डाटा है इसमें। अब हमें क्या करना है, इसका जो फ्यूचर का प्लान है वो मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है दोस्तों। तो फ्यूचर में क्या है कि जो ये कॉइन सभी को पता है कि एडवाजो का कॉइन है, फ्यूचर में अभी जो एडवाजो की नई एप्लीकेशन आ रही है उसमें एरिलियम कॉइन के जो प्लान है वो एमएलएम प्लान बेस पे आ रहे हैं, उसमें पैकेज भी आ रहे हैं एरिलियम कॉइन के। और जो आईडी लगेंगी टॉपअप होगा, एरिलियम कॉइन से भी आईडी का टॉपअप होगा। एडवाइजर की जो टीम है अभी तक बेस्ट काम कर रही थी, और आगे उसका जो प्लान है वो इतना बेस्ट है, वर्ल्ड का पूरे वर्ल्ड का नंबर 1 इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग का फर्स्ट ऐसा प्लान है जो जिसने मोबाइल एप्लीकेशन में एक अपने आप में बहुत ही बड़ा रेवोल्यूशन खड़ा कर दिया है पूरे वर्ल्ड में ग्लोबली। तो अभी उनका जो फोकस है वो क्या है कि जैसे ही ये कॉइन अभी 20 से 25 जुलाई के आसपास या अगस्त के फर्स्ट वीक से पहले पहले इसको बिट्रेक्स एक्सचेंज में लेकर के आ रहे हैं ऑलरेडी, जैसे ही ये बिट्रेक्स एक्सचेंज में लॉन्च होगा, रजिस्टर्ड होगा, तो बाइंग वॉल्यूम एंड सेलिंग वॉल्यूम वो इसका इंक्रीज होगा। एट प्रेजेंट जो एडवाइजो की टीम मेंबर्स हैं पूरे वर्ल्ड में मोर देन 2 लाख के आसपास तो हैं ही, जब हर आदमी 2 लाख उसका जो यूज़ करेंगे, बाइंग एंड सेलिंग करेंगे, आईडी लगाएंगे, टॉप अप करेंगे, विड्रा करेंगे, एक तो वो वॉल्यूम उसका इंक्रीज होना ही है हर एक्सचेंज पे, उसमें कोई डाउट नहीं। दूसरा ये है, जैसे वर्ल्ड की फास्टेस्ट एंड बिगेस्ट एक्सचेंज का नाम है बिट्रेक्स एक्सचेंज, जब ये जुलाई के एंड में बिट्रेक्स एक्सचेंज पर आ जाएगा उस टाइम इसका जो बाइंग वॉल्यूम है, सेलिंग वॉल्यूम है, ट्रेडिंग वॉल्यूम है वो एकदम से इंक्रीज होगा। जो भी फ्रेंड्स लीडर्स अभी अगर इस कॉइन को बाई कर लेते हैं आने वाले टाइम में, उनको ये कॉइन बहुत ही अच्छा खासा प्रॉफिट दे जाएगा दोस्तों। ये हमारा प्लान है, जो फुल एनालिसिस है वो यही है कि अभी इसको बिट्रेक्स एक्सचेंज पे बहुत ही जल्दी ये रजिस्टर्ड होने वाला है। जैसे रजिस्टर्ड होगा इसका बाइंग वॉल्यूम और सेलिंग वॉल्यूम बढ़ेगा, जैसे इसका वॉल्यूम बढ़ेगा तो रेट भी बढ़ेगा, ग्रोथ भी बढ़ेगी दोस्तों। जिसने अभी कम रेट में खरीदा है वो इसको ज़्यादा रेट में सेल करके अपना प्रॉफिट वहां से निकाल सकता है दोस्तों। और जो एडवाइजर की जो एप्लीकेशन है उससे भी ये जो कॉइन है एकदम से बूम होगा। तो मैं फ्रेंड्स आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि आपने एडवाइजर ज्वाइन कर रखा है तो बहुत अच्छी बात है, आपको ट्रिपल बेनिफिट होने वाला है। अगर आपने एडवाइजर ज्वाइन नहीं कर रखा तो भी आप इसको कॉइन को सेल कर सकते हैं, बाय कर सकते हैं, एक्सचेंज पे ऑलरेडी अवेलेबल है, अभी आप इसको बाय कीजिए। जैसे ये बिट्रेक्स एक्सचेंज पे आएगा इसका जो इंक्रीज है इसकी वैल्यू वो बहुत ही ज़्यादा होगी, यानी कि 10 रुपये के एक्सपेक्टेड बता रहा हूँ मैं एक वीक के अंदर अंदर इसका, जैसे ये बिट्रेक्स एक्सचेंज पे लॉन्च होगा तो इसकी जो वैल्यू है अभी 0.65 पैसा चल रही है, तो 10 रुपये के आसपास वो जाएगी जाएगी डेफिनेटली। ये सर्वे की रिपोर्ट बता रहा हूँ मैं आपको, अगर आप बाई कर सकते हैं इसको भी कर लीजिए, आने वाले टाइम में इसका जो फ्यूचर है वो बहुत ही ब्राइट है दोस्तों, ठीक है दोस्तों। और अभी जो आपको जानकारी दी है आशा करता हूँ कि आप लोगों को पसंद आई होगी दोस्तों। आप कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए, यूट्यूब के जो वीडियो है इसको आप शेयर कीजिए, अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसको सब्सक्राइब कीजिए, आपको टाइम टू टाइम क्रिप्टो करेंसी से रिलेटेड सारी जानकारी मिलती रहेगी। धन्यवाद दोस्तों, थैंक यू।